यहाँ पर देखो, तुम्हारे भाई ने पता है क्या करा है? अब देखो भाई, यहाँ पर 2000 लगवाए हैं और ये वाली लाइट जो यहाँ पर पूरे पे लाइट आ रही है भाई, जो देखने पे भाई बहुत ही ज्यादा गजब लग रही है। शानदार बाइक लगती है, ऐसी लगती है भाई दूर से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो एक बार कमेंट करके जरूर बता दो। और यहाँ देखो मेरे पीछे क्या हो रहा है, ये पाखी और रुद्र आपस में जो है ना दोनों लड़ने में लगे हुए हैं। दरअसल उनकी क्या है कि उनके स्कूल जो है ना वो ऑफ हो चुके हैं, तो स्कूल वगैरह जाना नहीं है पाखी को अभी, और रुद्र के साथ ना भाई खेलना है या फिर लड़ना है। लेकिन चलो मैं आपको सबसे पहले अब ये बताता हूँ कि अपन को आज क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ना भाई अपनी कासी की सर्विस करानी है, क्योंकि 3 तारीख को मैं निकल जाऊंगा केदारनाथ बद्रीनाथ की राइड पे, यानी बाबा की यात्रा पे महादेव के दर्शन करने। और उससे पहले तो सोचा कि काशी के अंदर जो भी कमियां रह गई है ना वो सारी कंप्लीट करा देते हैं, और आज सर्विस हो जाएगी तो वो सारी कमियां भी जो है ना वो दूर हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि बाइक के अंदर अपनी ना भाई माउंट वगैरह लगाना है मुझे, जिससे क्या है कि एक बढ़िया 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 से ना आपको सिनेमेटिक शॉट में निकाल के दिखा पाऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं, और सबसे पहले भाई पता है क्या करते हैं, बाइक पे चल के ना माउंट लगाते हैं, और उसके बाद भाई अपने को लंच, ये देखो ये ऐसे करते हैं जब ये ब्लॉग करता हूँ ना, ये पाखी और ये जो है ना देखो कितना खुश हो रहा है, अब कितना खुश हो रहा है अपनी शैतानियों में भाई, इतना ज्यादा खुश होता है ना ये। लेकिन चलो अब नीचे चलते हैं और माउंट वगैरह लगाते हैं। सो भाई यहाँ देखो, तुम्हारे भाई ने काशी के अंदर माउंट तो लगा दिया है, और ये फ्रंट पे जो है ना अब इसमें मैंने अपना गोप्रो भी सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो एंगल है ना, इससे मैं शॉट्स निकाल के देखता हूँ कि कैसे आ रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पर माउंट सेट करने के बाद जो विजुअल मिले हैं वो कैसे लगे। तो भाई काशी के अंदर मैंने फ्रंट वाला माउंट लगा तो दिया है, और लेकिन उसे लगाने में ना यार भाई बहुत ही ज़्यादा ना मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा समय भी लग गया, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि अपनी हालत भी खराब होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि माउंट लगाने के बाद भाई बाइक ने ना स्टार्ट होना बंद कर दिया। अब उसके बाद भाई मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, कभी मैं धक्का लगा रहा कभी कुछ कर रहा, लेकिन भाई अपनी काशी जो है ना वो स्टार्ट होके नहीं दे रही। फिर मैंने रिजवान भाई को कॉल की, उन्होंने भी जब बताया कि इसका ना एक बार स्विच वगैरह आप चेक कर लो कहीं वो ना उड़ गया हो, क्योंकि कल मैंने ना नई उसके अंदर लाइटिंग वगैरह लगाई थी इसलिए। तो भाई मैंने स्विच जो है वो चेक किया तो भाई वो खराब निकला, फिर उसके बाद स्विच दूसरा चेंज किया, उसके बाद अपनी काशी स्टार्ट हुई, तब अपनी जान में जान आई भाई। मैं सोच रहा पता नहीं यार क्या हो गया, लेकिन भाई अभी जो है ना अपन ने फ्रंट वाला माउंट जो है ना वो लगा दिया है, और उसके ना आपने पीछे वीडियो के अंदर अभी शॉर्ट्स भी देख लिए होंगे। अब कैसे लगे हैं तो वो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और यार आज अपना ना सर्विस कराने का प्लान था, लेकिन भाई सर्विस भी नहीं करा पाया, क्योंकि 1.5 घंटा ऐसे चला गया ना, 2 घंटे पूरे ऐसे खराब हो गए ना कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए क्या है कि अब कल जो है ना सर्विस कराएंगे, लेकिन अभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ रिजवान भाई के पास में, और बाइक के अंदर पता है क्या करते हैं, आज चार्जिंग माउंट वाला जो है ना वो काम निपटा लेते हैं। आज चार्जिंग माउंट लग जाएगा तो उसके बाद अपनी एक ही टेंशन जो है ना ये भी खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं रिजवान भाई की शॉप पर आ गया था, और शॉप पर आने के बाद ना भाई मैंने भाई से जो है चार्जिंग भी का भी स्विच ले लिया है, और उसके बाद भाई 2 लाइटें भी ली हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है ना रिजवान भाई की शॉप है मॉडिफिकेशन हब के नाम से। अब आप जितने भी मतलब अपने संभल के या फिर आसपास के लोग हैं ना भाई, यहाँ आकर ना आप बहुत अच्छे से काम करा सकते हो। रिजवान भाई बाइक के अंदर ना भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई रिजवान भाई की खड़ी है पल्सर RS 200। भाई शानदार बाइक लगती है, ऐसी लगती है भाई दूर से देखने में, एकदम स्पोर्ट्स गजब की बाइक है भाई रिजवान भाई की। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ ना सामान मिला है, जैसे चार्जिंग वाला स्विच मिल गया है, बट लगवाना जो है ना मुझे फिटिंग जो करानी है वो दूसरी शॉप पे करानी है, तो वहाँ चलते हैं। अरे
सो यहाँ देखो भाई, काशी की जो है लाइट वाइट खुलवा दी है और इसके अंदर ना पूरी वायरिंग की अभी सेटिंग हो रही है। और उसके बाद भाई रात में इसके अंदर जो लाइटें लग के इसका लुक आने वाला है ना, वो आपको चेक कराऊंगा मैं। तो गाइस काशी के अंदर लाइटें लगाते लगाते अपने को होगी रात, और लाइटें लगवाने के बाद अब अपन क्या है कि जा रहे हैं एक भाई के पास, देव भाई के पास। मैं तो थोड़ी देर देव भाई के पास अपने को कुछ काम है और एक जगह जाना है, वहाँ से आके फिर भाई मैं घर जाऊँगा। लेकिन भाई अभी तुम देखो कसम से काशी में ना भाई लाइट लगवाने के बाद जो मज़ा आया है ना, वो अभी आपको मैं अंधेरे में जाके दिखाऊंगा। और भयंकर देखो भाई आंधी आ चुकी है। अच्छा वो मैंने हेलमेट डाल रखा है ना, तो पूरा मुँह भाई धूल से हो जाता। फटाफट से निकलते हैं और भाई रात का तो अलग ही मज़ा है। ये देख रहे हो अब गर्मी नहीं है भयंकर, दिन में इतनी तगड़ी गंदी गर्मी पड़ रही है ना भाई, इतनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है कि हमारे वहाँ तो आदमी जो है ना भाई झुलस जाएगा झुलस। और ये देखो भाई काशी जल रही है, हैजार्ड जल रहे हैं, और उसके बाद भाई क्या लाइटिंग आ रही है गाड़ी के अंदर, गजब की एक नंबर वाली। यहाँ पर देखो तुम्हारे भाई ने पता है क्या करा है, अब देखो भाई यहाँ पर दो हैजार्ड लगवाए हैं और ये वाली लाइट लगाई है दो छोटी वाली, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और भाई इसकी मेन लाइट जो है ना वो अभी अपन ने जलानी रखी है। और यहाँ एक कमाल की चीज़ देखो भाई, जब अपनी काशी चलती है ना तो उसके बाद भाई काशी का जो इंजन है ना यहाँ पर पूरे पे लाइट आ रही है भाई, जो देखने पे भाई बहुत ही ज़्यादा गजब लग रही है, ख़तरनाक वाली। और यहाँ मैं आपको पीछे के इंडिकेटर दिखा देता हूँ कि देखो भाई कितने शानदार वाले ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन कल अपन को क्या काम करना है, इसके अंदर ना LED वाले बल्ब लगवा देने हैं, तो कल वो भी चेंज करा देंगे तो और बढ़िया फ्लैश मारेंगे। लेकिन भाई यहाँ से एक बार पूरा लुक देखो, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में तो भाई बहुत ही शानदार लग रहा है भाई। और ये वाली चीज़ जो लगवाई है ना भाई, इसे करवाने के बाद तो भाई मज़ा ही आ गया। व्हाइट वाली लाइट, लेकिन अब देखो भाई इसकी येलो वाली लाइट लगा दी है, तो येलो वाली लाइट लगाने के बाद कैसी लग रही है भाई, शानदार चमक रही है। इस चीज़ को ना मैं ही फील कर सकता हूँ, और मेरे पास देव भाई खड़े हैं, वो बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो आगे येलो जलेगी, तो इंजन पर भी ना भाई पूरी येलो लाइट जो है ना इसके आने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है। अब आप लोग फटाफट से कमेंट मारो और बताओ कि भाई कैसी लग रही है काशी इतनी सारी लाइटिंग होने के बाद। यार काशी के अंदर सारे काम जो है ना वो निमट चुके हैं, फाइनली बस पता है एक काम क्या रह गया है कि इसकी सर्विस करानी है, और वो सर्विस जो है ना भाई तुम्हारा भाई कल करा देगा। और आज भाई इसके अंदर कुछ मैंने इसकी वायरिंग वगैरह चेक कराई, क्योंकि इसके स्विच वगैरह जो है ना भाई वो उड़ने लगे थे, तो इसलिए बाइक के अंदर पूरा करंट ही आना बंद हो गया था। उसके बाद तुम्हारा भाई लेके गया शॉप पर, उसके बाद इसके अंदर लगवाया एक चार्जिंग वाला माउंट और एक फ़ोन वाला होल्डर, और उसके बाद कुछ नीचे की लाइटिंग लगाई है, मतलब इंजन पे भाई अपना इंजन इतना शानदार दिख रहा है ना लाइट जलने के बाद। सारी चीज़ें जो है ना तुम्हारे भाई ने कराई, और पूरा दिन ही निकल गया भाई इन सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई, लगता है कि थोड़ा सा काम है लेकिन भाई जब कराने बैठो ना तो समथिंग दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं। और वायरिंग चेक कराने में तो भाई समथिंग मुझे 3 घंटे पूरे लग गए होंगे इसीलिए। करना मैं घर पर आ गया हूँ, और अभी होगी और रात। और दोस्तों यार आप ये 10 मिनट का 12 मिनट का ब्लॉग देखते हो ना, बट इस कंटेंट को निकालने के लिए ना भाई पूरा का पूरा दिन लग जाता है, बहुत ही तगड़ा काम है। जैसे आज पता है क्या हुआ, काशी के अंदर प्रॉब्लम होगी तो 1 से 2 से 2.5 घंटा भाई मुझे उसके अंदर ये पता करने में ही लग गया कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। और उसके बाद भाई जब मुझे पता चली ना इसकी वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो जब वायरिंग को मैं ठीक कराने गया ना, तो समथिंग भाई 3 से 4 घंटे ना मेरे वायरिंग वाले की शॉप पर ही लग गए। तो इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, भले ही आप 10 या 12 मिनट का ब्लॉग देखते हो बट पूरा दिन निकल जाता है। तो इसीलिए यार भाई वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ अपने इस वीडियो को ना अपने दोस्तों में अपने भाई लोगों में यार शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।